वेलकम बैक फ्रेंड्स, आर्ट गैलरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं साड़ी पिन। इसके लिए हमें चाहिए बॉल चेन, कलर स्टोन चेन, ये मल्टी कलर में है और ये वाइट में है, क्विलिंग पेपर, और ये हमने क्विलिंग पेपर से बनाया है। ये कैसे बनाया है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टोन लगाएंगे। सबसे पहले हमने स्टोन लगाया है, यह फैब्रिक ग्लू है, यह अलग से आपको मार्केट में मिल जाएगी, फेविकॉल नहीं है। अच्छे से लगाना है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, स्टोन सेट हो जाए।
इस तरह हमने इसको बॉल चेन और स्टोन चेन से डेकोरेट किया है। आप इसमें और कलर की चेन भी ले सकते हो, जैसे आप साड़ी के अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई ग्रीन कलर की साड़ी या ब्लू कलर की। जैसे हमारे पास ब्लू कलर की बॉल चेन भी है, लेकिन हमने इसका यहाँ पे यूज़ नहीं लिया है। अगर आपकी साड़ी इस कलर की है तो आप इस चेन का भी यूज़ में ले सकते हो। इस तरह से हमने इसको सेट किया है। अब हम इसके साइड में से इसको सेट करेंगे। ग्लू यहाँ पे अच्छे से लगानी है ताकि ये डबल, ये वाली हमको स्टोन चेन लगानी है, ये डबल स्टोन चेन है इसका। इसका यूज हम साड़ी बनाने में भी लेते हैं। ये हमने पूरा बना लिया है, इस तरह से चेन लगाई है, साइड में ये चेन लगाई है। ये हम यहाँ पे साड़ी पे नहीं यूज़ लेंगे, ये आप पुराना भी यूज़ में ले सकते हो या फिर नया। ये हमने यहाँ पे नया लिया है, अगर आपके पास पुराना जो अनयूज है उसको आप यूज में ले सकते हो। इसके बाद हम इस पर ग्लू लगाएंगे। ये हमने इतनी ज़्यादा इसलिए लगाई है ताकि जो किलिंग पेपर है वो अच्छे से सेट हो जाए, और बाद में अगर ये पानी से भीगे या तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये बाद में ग्लू सूखने के बाद दिखेगी नहीं, इसलिए आप इसको अच्छे से लगा सकते हो। इसको चारों तरफ लगाना है। इसके बाद हम इस पे साड़ी पिन पे लगाएंगे। इसके बाद हमको इसे बिल्कुल सेंटर में लगाना है, आप देख लेना आगे पीछे करके एक बार। इसको ऊपर नीचे चारों तरफ देख के कि ज़्यादा ऊपर ज़्यादा जगह नहीं रहे ना नीचे, उसके अकॉर्डिंग लगाना है। इस तरह हमने इसको लगाया है, ये हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। आप इसे शादी पार्टी कहीं भी यूज कर सकते हैं और अलग कलर में भी बना सकते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग माई चैनल।